अंकल जॉबलेस घर बैठे थे, हो सकता है कि वो जॉब के सिलसिले में किसी से मिलने चले गए हों। मादा मैं पाकिस्तान पहली बार आया हूँ, लेकिन हूँ तो तुम्हारा ही कजन ना। आप लोग मुझे अपना समझते भी हो या पराया समझते हो? कैसी बात कह रहे हैं आप? क्या कर रही हो अम्मा? मैं इसकी काली जुबान ही काट दूंगी आज, ना रहेगा बास, 2 बजे की बांसुरी। तो कल को अगर वो ये कहती है कि सब खुद पर तेल डाल के आग लगा ले, तो सब खुद को आग लगा लेंगे क्या? भला वो ऐसा क्यों कहेगी, पागल थोड़ी ना है वो। शायद पागल होना उसकी एक्स्ट्रा खूबियों में से एक खूबी है। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा तो फिर उसकी जुबान से निकली हर बात एज इट इज पूरी क्यों हो जाती है? कोई कुदरती सलाहियतें भी हो सकती हैं उसके अंदर। आपकी इत्तला के लिए अर्थ है कि उसका दिमाग बहुत स्लो वर्क करता है। फिर तो ये भी पॉसिबल है कि उसकी सिक्स सेंस बहुत तेज हो। कैसी बातें कर रहे हो? हमारी कॉमन सेंस भी ना। आज सुने पता नहीं क्या बात है कि एक के बाद एक परेशानी और मुसीबत इस घर के दरवाजे पर सीना तान कर दस्तक दे रही है। आप रिलैक्स कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब्बा की भी कोई खबर नहीं है और अम्मा बेचारी अब्बा को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई हैं, और छत पर बेचारी हया। हया बस यही तो एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, वो नन्ही सी परी जो हमेशा मुझे देख के छुप जाया करती थी। सुने जब से अब्बा गए हैं हया बेचारी भी भूखी प्यासी छत पर खड़ी है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूं, वो कहां किसी की कोई बात सुनती है। मैं जाकर देखता हूँ। नहीं नहीं मैं देख लूंगी, आप रुकिए ना, मैं आपके लिए कॉफी बनाऊं। आप ठहरिए, मैं जाकर उसे देख कर आता हूँ। आप मेरी बात तो सुने। सब लोग आ रहे जा रहे हैं, अब्बा पता नहीं कब आएंगे। वो भी आ जाएंगे, तुम नीचे बैठ के उनका इंतजार कर सकती हो। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आप कब आएंगे अब्बा? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। हमें कहीं नहीं जाना। देखो मैं जानता हूँ तुम अपने अब्बा की जान हो, मगर जब वो आएंगे और तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो क्या कहेंगे? अब्बा कब आएंगे मोइज? मोइज? ये मोइज कौन है? I'm really impressed. Very well done. मेरी तरफ से ये फाइल बिल्कुल ओके है। सर अप्रूवल से पहले फजल करीम साहब को दिखा दूं ये फाइल? देखिए जी, फजल करीम साहब इस ऑफिस के सीनियर मोस्ट पर्सन हैं। उनसे राय लिए बगैर तो मामा भी कोई डिसीजन नहीं लेती, तो मैं कैसे कर सकता? ये लीजिए। थैंक गॉड सर, आज ये फाइनल हो गया। जी बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम सर। तुम लोग तो दुखी बाद में होते हो, खाना पीना पहले बंद कर देते हो। अच्छा तुम लोग तो दुखी होकर जैसे लंगर चलवाते हो ना। किसी और के घर से लाया हुआ भी तो खा ही रहे हो ना। देखे तो
शीतल कहाँ है? अम्मा छत पर। हाय हाय, फिर तो वो मनहूस वाली के ऊपर ही होगी। अब्बा और मोइस क्या कम थे कि उसकी फिक्र करने वाला एक और आ गया। अरे मेरे मौला, वाह। अम्मा, अब्बा के बारे में कुछ पता चला? अरे नहीं भाई, आधा शहर छान मारा, कोई पता नहीं चला। क्या उड़ती उड़ती गई थी? नहीं नहीं, वो अपनी बाइक पे ले गया था। वो कौन? अरे वही अपना जो हमसाया है। वो बंका सजीला? अरे अल्लाह भला करे उसका, बड़ा ही अच्छा लड़का। उस ठरकी बुढ़े के साथ जाने की क्या जरूरत थी अम्मा? अरे अपनों से गैर अच्छे, मुझे छांव में बिठा के खुद धूप पे ख्वार होता रहा। बड़ा सियासतदान है वो, बुराइयों का मजमूआ। बेचारे ने इतनी मदद की मेरी। हाय हाय, मैंने कहा था कि दुआ करना। हमने दुआ नहीं की, हमें दुआ करनी चाहिए थी। क्या तुम अपने आप को सजा दे रही हो इस बात की? लेकिन हमने दुआ क्यों नहीं की? तुम अभी भी खुद को कसूरवार समझती हो? हमें दुआ कर लेनी चाहिए थी। मुझे तो लगता है इसमें तुम्हारी अकेले का कोई कसूर नहीं, सबका कसूर है। सबका कसूर? हाँ, तुमने अंकल को जाने से मना किया, वो चले गए, वो अंकल का कसूर। चच्ची ने अंकल को रोका नहीं, वो चच्ची का कसूर। लेकिन उन्होंने तो हमें कहा था ना दुआ करने के लिए, लेकिन हमने की ही नहीं। हया, दुआ कभी भी की जा सकती है, उसके लिए कोई वक्त का मुतय्यन होना लाजमी नहीं है। हम दुआ करेंगे, आप आ जाएं। या अल्लाह पाक, बहुत बड़ी गलती हो गई। अब्बा ने हमसे कहा था दुआ करने, लेकिन हमने नहीं की। प्लीज उनको घर भेज दें, प्लीज उनको घर भेज दें। और ये भी कहो कि खैरियत के साथ आ जाएं। अल्लाह पाक अब्बा को खैरियत से घर भेज दें। अब देखना तुम्हारे अब्बा मियां यूं आ जाएंगे। हेलो। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अब इतनी उम्र भी नहीं है चंदा जितनी तुम समझ रही हो हैं। अरे मेरा मतलब वो नहीं था जो आप समझ रहे हैं। अभी खाला आप ही का जिक्र कर रही थी, बैल बजी और आप आ गए। अच्छा अच्छा सॉरी, मैं कुछ और समझाता है। क्या लाना हुआ है? मेरा मतलब है कैसे आना हुआ? अरे भाई दो दिन हो गए अंकल शोर चल रहे हैं, मिल नहीं रहे, परेशानी होती है, टेंशन होती है, खाने पीने का कहाँ होश रहता है। ये बिरयानी लाए हूँ मजेदार आप लोगों के लिए। लेकिन मेरी तो भूख ही मर गई है। अरे क्या बात कर रही है, दो निवाले खा कर देखिए, निवाले पेट में जाएंगे, ऐसे करवट लेगी भूख, ऐसे हो सकता है सोई हो मरी ना हो। है मेरा ख्याल है आप ठीक कह रहे हैं, खा के देख लीजिए, जल्दी से खाइए मजेदार बिरयानी खाइए। आला या अल्लाह पाक, हमारे अब्बा को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। या अल्लाह पाक, उन्हें जल्दी से घर भेज दे। अरे नहीं, मुझे नहीं खाना, पता नहीं तुम्हारे अब्बा ने कुछ खाया होगा क्या। अब ये तो अंकल ही आकर बता सकते हैं ना। अम्मा कुछ तो खा लो, रिस्क सामने रखा हो तो मुंह नहीं मोड़ते। मुझे तो खाली पेट दुखी भी नहीं हुआ जाता। हमारा दुख है, तुम्हें दुखी होने की ना कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना खाना पीना जारी रख सकती हो। बांका सजीला के लिए दिल से दुआ निकल रही है, वरना
तुम लोग तो दुखी बाद में होते हो, खाना पीना पहले बंद कर देते हो। अच्छा, तुम लोग तो दुखी होकर जैसे लंगर चलवाते हो ना। किसी और के घर से लाया हुआ भी तो खा ही रहे हो ना। अरे नहीं भाई, अम्मा थोड़ा बस सा इसको खाने थे, बस मैं नहीं खा। अम्मा मैं तो खाऊंगी, बिरयानी है। कल से हया भूखी प्यासी है, उसकी भूख का किसी को एहसास ही नहीं हो रहा है, जबकि उसे तेज बुखार भी हो रहा है। दरवाजा खोलो अंकल, आ गए भाई। अंकल आ गए, आ जाए। हाँ पकड़ो भाई, आराम से आराम से आराम से। अरे हया जैसी औलाद आजमाइश नहीं बदनुमा दाग होती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ खाला कि आप जितनी नफरत करेंगे हया से उतनी ही शिद्दत से उसके जुबान में जहर बढ़ता जाएगा। क्या हुआ, क्या था इन्हें? अरे होना क्या है खाला, जहाँ काम कर रहे थे ना, वहाँ काम कर रहे थे, चकरा के गिरे, बेहोश हो गए। तो हॉस्पिटल कौन लेके गया? भाई जिनके सर पड़े थे वही लेकर गए थे, और कौन लेकर जाएगा। तुम्हारी बात मेहरबानी। अरे काला क्या बात कर रही हो, मेहरबानी की है, इंसानियत भी कोई चीज होती है। अरे बेटा इंसान तो सभी होते हैं, इंसानियत किसी किसी में होती है। चले आए, आप अंदर चल के आराम करें, चले आए। बांके मियां चाय पी के जाना बेटा। जी अच्छा काला, अब आपने कहा है तो पी के ही जाऊंगा, चाय चाय भी पियेंगे। अब आप बात सुनो, हॉस्पिटल का बिल, टैक्सी का किराया और लड़के के पैसे अपनी जेब से अदा किए मैंने। हॉस्पिटल के अखराजात? जी हाँ, 10-11 हजार रुपए थे मेरी जेब में मौजूद थे, मैंने दे दिए। 10-11 हजार? टेंशन क्यों ले रही हो, मैं कौन सा 10-11 हजार रुपए मांग रहा हूँ, एक कप चाय का संभाले बस। अम्मा। अरे तुम्हारी अम्मा ने तो बोला मुझे चाय पी के जाना बेटा, मीठा ज्यादा डाल देना चाय में। आपको पता है हमने अब्बा के लिए बहुत सारी दुआएं की। क्या दुआ की थी? हमने दुआ की थी कि अल्लाह पाक हमारे अब्बा को खैरियत के साथ घर भेज दे, और अल्लाह पाक ने घर भेज दिया। कहाँ चल रही? अब्बा से मिलने। अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है और अम्मा 2 रातों से जागी हुई, उन्हें आराम करने दो। क्या हुआ अब्बा को? कुछ भी नहीं, बस रातों की नींद आराम करते। Hello. मुझे लगता है आपको कोई याददाश्त का मसला है, क्योंकि जिस लड़के के साथ रात भर आपने अपने दिल की बातें शेयर की, अब उसको देखना भी पसंद नहीं।
मोइज जी, क्या बात है? कुछ सीरियस लग रहे हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, व्हाट अ जोक। हो सकता है मेरा वहम हो। ये आपका वहम ही। क्या बात है, कुछ खिंचे खिंचे से रहते हो। भला मैं आपसे क्यों खिंचा खिंचा रहूंगा? नहीं, वो उस दिन मैंने हया के बारे में जो बात की थी। मैं फ्रेश होने जा रहा। एक मिनट, आपने अनवार भाई को मेरा मैसेज दिया? नो, आई एम सॉरी। क्यों, क्यों नहीं दिया? बाबा मैं अपने कंसाइनमेंट में इतना ज्यादा बिजी हूँ कि मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिल रहा। गुड, साउंड ग्रेट, अच्छी बात। एनीवे, सी यू लेटर। खाला, आप रो क्यों रही हैं? अरे क्या बताऊं, अपनी बदनसीबी पे रोना आ रहा है। मैं समझी नहीं। मैंने अपने अल्लाह से बड़े मान से एक बेटा मांगा था, अल्लाह ने बेटा तो नहीं दिया, लेकिन बड़ी छांट के दुनिया से निराली बेटी मेरे सर थोप। औलाद भी माँ बाप के लिए आजमाइश होती है। अरे हया जैसी औलाद आजमाइश नहीं, बदनुमा दाग होती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ खाला कि आप जितनी नफरत करेंगे हया से, उतनी ही शिद्दत से उसके जुबान में जहर बढ़ता जाएगा। क्या अल्लाह ने हमें पैदा नहीं किया? क्या हम उसके बंदे नहीं हैं? उस मनहूस मारी की जुबान से जो बात निकलती है वो पूरी हो जाती है, और हमारी तो दुआएं भी पता नहीं पाताल में जा गिरती है। खाला आप चुप तो करें, मत रोएं। क्या करूं, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। खाला अल्लाह ताला ने उसे दुनिया भर की नेमतों और ऐशो आराम से नवाजा था, तो ये इतनी गुर्बत, ये उस गुरूर और तकबर की सजा है जो माजी में आसीब की तरह कुत्सिया से चिपटे हुए थे। हया मुझे पुकार रही है। जिससे हमने आपको इतनी दूर रखा हुआ है, आप उसी से मिलने जा रहे हैं? अरे वो बड़ी सास लड़की है, कहीं कुछ कर ना बैठे। परवरदिगार, मेरे इन बच्चों को कभी दूर न होने देना।